अंजलि, क्या हुआ? अजय को कल रात ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया था, काउंसलिंग चल रही है अंदर। कितना टाइम लगेगा? ए! हाँ? इतनी देर क्यों लगी? ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनको अच्छी तरह से जानता है तू। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे जब लीला ने मुझे फोन करके बताया कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। क्या जरूरत थी तुझे बताने की? हाँ, बेचारी जबरदस्ती टेंशन ले रही थी। ऐसे तुम बहुत प्यारी लगती हो। चलो चलते हैं, आ जाओ। हेलो, एक मिनट। हाँ अंजलि, फाइन भरने के लिए मैंने उसे पैसे लिए थे। थैंक्स। तुमसे किसने कहा? ये लीला भी ना। हाँ, शाम को मिलके बात करते हैं, ठीक है? सर, आप यहाँ कैसे? मतलब तुम्हारी बात अब थाने तक पहुंच गई? ऐसी कोई बात नहीं है सर। अज्जू। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना व्हाट्सएप। क्या काम है? हाँ? इसे क्यों मार रहे हैं आप? प्यार तो मैं आपकी बहन से करता हूँ ना। क्या बोल रहा है तू यहाँ पे? ये कोई मदुरा वाइन की शॉप है? जो मन में आएगा बकता जा रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, एक बार मेरी बात सुनिए। कहना क्या चाहता है तू? हाँ? सर, मुझे आपको कुछ बताना है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। इसमें आपकी बहन का कोई कसूर नहीं है। तुम यहाँ क्यों भाई? क्या बंदर? अंजलि, एक मिनट रुको। घर वाले अपनी तानाशाही दिखाते हैं हमें, ये हमें अपनी जागीर समझते हैं। बात ना बने तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अरे तुम इन्हें बोल दो, इनके बिना तुम मर नहीं जाओगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलता हूं अंजलि। तुमने सही कहा था, तुम मेरे पास नहीं भी होते हो ना, तब भी तुम्हारी महक मुझ पे छाई रहती है। अंजलि, पानी पी लो बेटा। अंजलि, कहाना नहीं।
नहीं खाऊंगी। भैया राखी रख दो से, नहीं बंधवानी है मुझे। क्या हुआ भैया, आपको राखी बांधने का अब हक नहीं रहा मेरा? अगर आपको कुछ कहना है, मुझे डांटना है तो डांट लीजिए ना, लेकिन मुझे गैर मत समझिए प्लीज, मैं ये नहीं सह पाऊंगी। क्या तुम सच में जानती हो राखी क्यों बांधी जाती है? बहन को यह विश्वास दिलाने के लिए उसका भाई हर मुसीबत में ख्याल रखेगा। एक बहन को अपने भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। हर साल राखी के मौके पे तुम्हें तुम्हारे पसंद का गिफ्ट देता था, इस बार मुझे डर है पता नहीं तुम कौन सा गिफ्ट मांग लो। तुम्हारी ख्वाहिशें मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिससे नफरत करते हैं, जब वो जिंदगी का हिस्सा बनने लगे और सबसे खास होने लगे, तब हम उनके लिए चॉइस बन जाते हैं। इसीलिए बहन, कोई जरूरत नहीं है इस त्योहार को मनाने का। इस साल नहीं तो अगले साल मना लेंगे। एक क्वार्टर दो। मैं हूँ थोड़ा बदनाम, है पीना ही मेरा काम, कितना बढ़ गया दाम, फिर भी मस्त है मस्त राम, अरे मस्त है मस्त राम। सब ठीक तो है ना भाई? भाई जरा इसे पकड़ना। हे, ये लो। सर इस तरह टेंशन में मत रहिए आप, आपको देख के मैं परेशान होता हूं। जब भी मैं आपको काउंटर पे देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग पैक की फीलिंग आती है मुझे, लेकिन अब लग रहा है जैसे कि उसमें पानी मिला दिया गया हो। ये गलत है सर, आप इस तरह से परेशान मत होइए। परेशान कैसे नहीं हूं मैं, मेरी बहन से प्यार किया है तुमने, तुम्हारे जैसे इंसान को तो। मेरा बायोडाटा जानते हैं आप सर, इसे जरा पकड़िए। ठीक है सर, आपकी टेंशन कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए सर। मेरी बहन की जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं जानता था आप यही कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दुख होगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसे छोड़ दिया तो मुझे बुरा लगेगा, नहीं छोड़ा तो आपको लगेगा। ए, तू पागल हो गया है क्या? हाँ? हमारे प्यार की वजह से आप ये सब झेल रहे हैं सर। ओके सर, आप इतनी ईमानदारी से बिना मिलावट की शराब हमें पिलाते हैं, मैं आपको दुखी नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ सर, आप खुश रहिए बस, मैं यही चाहता हूँ। तू सच बोल रहा है या कोई गेम खेल रहा है? सर नशे में हूँ मैं, आपको मेरा विश्वास करना होगा। शराबी की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। इन अफवाहों पे यकीन करना बंद कर दीजिए, विश्वास करिए सर। शराब की बोतल पर लिखा है सिंस 1918 नंबर, आनंद सिंस 2018 की बात होनी चाहिए। आपका सर हमेशा ऊपर रहना चाहिए। चलता हूं सर। रात भर शराब पी के कहां पड़े थे? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने एक भी बार जवाब नहीं दिया। पहले इतनी टेंशन कम है क्या जो तुम और टेंशन दे रहे हो? फोन साइलेंट पे था, ध्यान नहीं दिया। बताओ क्या हुआ? मुझे अपने साथ कहीं ले चलो प्लीज। इस वक्त बहुत टेंशन में हो तुम, एक काम करो घर जाओ, बाद में बात करते हैं। मुझे क्या पागल समझते हो? ले चलोगे या नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो मेरे पापा ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है, ये कभी सोचा नहीं तुमने? मेरी जगह मधुरा होती तो भी ऐसे ही करते? तुम्हारी जगह मधुरा होती तो मेरे पापा स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं बन जाते, उनकी प्रॉब्लम वैसी ही रहती। समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? जाओ।
अगर तुम किसी लायक नहीं हो तो प्यार क्यों किया तुमने? हाँ ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ। मैं तो तुमसे भी बात करने के लायक नहीं था, लेकिन मैंने बात की ना। तुम्हें बाइक पे घुमाने के लायक नहीं था, लेकिन तुम्हें घुमाया। तुमसे प्यार करने के भी लायक नहीं था, लेकिन तुम्हें प्यार किया। लेकिन ये बात भी सच है, मैं तुम्हें भगाने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो छोड़ दो मुझे, भूल जाओ ना मुझे। तुम पर विश्वास करने के लिए मुझे खुद को चप्पलों से मारना चाहिए। मथुरा के लवर अजय, गुड बाय। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, अगर आज तो मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं तुम्हारे भाई के बिजनेस को बढ़ाने में काम आऊंगा। ब्रेकअप का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वो सहो। एक तरफ कहते हो दर्द नहीं देना चाहते और दूसरी तरफ दुख पहुंचा रहे हो। तुम्हारी वजह से रोज मेरा साइड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मिनट पहले साइको की तरह बात कर रहे थे और अब साइड इफेक्ट्स। सच बताओ तुम्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या?